हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से स्टैट प्रो के अंदर यूनिट कन्वर्जन करते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यूनिट कन्वर्जन का ऑप्शन मिलता है और किस तरीके से कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ये भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला ये वीडियो है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि यूनिट कन्वर्जन पता चलने से हम यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है, उसके प्रोसेस है। अगर कैलकुलेटर को आप यूज़ करना नहीं सीखे हो तो नहीं चला सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन और कैलकुलेटर को यूज करते हैं स्टैट प्रो के अंदर। साथ ही साथ अभी जो लोग नए हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, उसके बाद लास्ट तक वीडियो को देखना। चलो और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे यूनिट कन्वर्टर। कहाँ पे होता है ये? टूल पे जाके यूनिट कन्वर्टर का ऑप्शन आता है और यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको देना है इनपुट। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है, जैसे अभी कभी कई के लोग मीटर में कंफर्ट रहते हैं, कई लोग फिट में रहते हैं, और यहाँ पे मान लो आपने मीटर में काम किया है, ये मीटर में, और आपको चाहिए कि इसमें फिट में डाटा चाहिए क्योंकि आपको फिट में कंफर्टेबल हैं आप, तो आप तुरंत यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। सपोज अभी जैसे मैंने डाल दिया 3 मीटर। अब 3 मीटर इक्वल टू कितना फिट होता है? 9.84। तो बड़ा ही ईजी हो गया ना आपका काम। अगर ये नहीं पता था तो आपको टेंशन होती। मान लीजिए आपको पता है फिट में, आप फिट में कंफर्टेबल हो और मीटर में चेक करना है, तो आपने कहा मेरे पास 10 फिट है, मीटर में कितना हुआ? 3.04 मीटर। तो इस तरीके से हम अगर चेंज कर लेंगे तो बहुत ही ईजिली अपने डाटा को समझ सकते हैं। इसके अलावा ना केवल लेंथ, ये तो लेंथ एक ऑप्शन है, इसके अलावा अगर एरिया, एरिया आपको पता है स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर फीट, ये देखिए यहाँ पे। अब जैसे मैंने डाल दिया फिट और हमारे पास जो डाटा है वो है, जैसे कल मेरे पास एक प्लॉट आया था तो 1200 स्क्वायर फीट था, ठीक है, और उसको मुझे चाहिए कि इसमें मान लो मुझे मीटर में चाहिए, तो कितना आया? 1111.48 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग एरिया भी चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर यूनिट लेंथ कर सकते हैं, स्ट्रेस इन प्रेशर कर सकते हैं चेंज, और मोमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा कस्टम, और कस्टम पे जाने के लिए यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलेगा। कस्टम क्या है? यहाँ पे ब्लैंक है। तो अगर कस्टम को आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन पे, और ऑप्शन पे जाके यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा प्रीफ्रेंस। और प्रीफ्रेंस में यहाँ तो ऑलरेडी जो आपने यहाँ पे देखा वो सारे ऑन है। अगर आपको अपना डाटा देना है तो यहाँ पर कस्टम एंट्री क्लिक करिए, और यहाँ पर हमने कर दिया, जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पर फ्रॉम मीन्स कितना वैल्यू, हमने कहा 5 को फैक्टर कर दिया हमने, सॉरी 10 को हमने फैक्टर कर दिया 5 से, और जब 5 से फैक्टर कर दिया तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 2, 10, 5, 2, 10 को हमने फैक्टर किया कैसे 5 से, तो कितना आ गया आपका 2, और इसको मान लीजिए अप्लाई कर दिया हमने और ओके किया। अब हम जब यहाँ कस्टम पे जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ये 10 है और ये क्या है? 2। अगर अब देखिए यहाँ पर 2 है, हमने फैक्टर दे दिया 2, और यहाँ पर जब वैल्यू अपपुट करेंगे, जैसे सपोज हमने कर दिया वैल्यू कितना 40, तो उसका फैक्टर कितना दे दिया इसने? 8। 8 क्यों दिया? क्योंकि हमने वहाँ दिया 10, 5, 2, तो 5 से क्या कर दिया इसने? डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? 40 को 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया है? 8 आ गया। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 80, 80, तो देखिए क्या हो गया? 16। क्यों? क्योंकि 5 से उसने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इस तरीके से कस्टम डाटा भी मीन्स अपना भी स्केल फैक्टर आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है स्टैट एडिटर, स्टैट यूनिट कन्वर्टर। आप इसको यूज़ करके एक बार देखिएगा। और इसके बाद आता है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेटर, क्योंकि बहुत से जगहों पे कैलकुलेटर की प्रॉब्लम होती है। उसको यूज़ कैसे करना है? जैसे कि आपने यहाँ से लिया, यहाँ तक आपका ये है, ठीक है, और उसके बाद आपने कहा कि हम जो भी डाटा लेना चाहते हैं, सपोज 2 पॉइंट ले या इतना लेना चाहते हैं, फिर आपने ग्रेड को बंद कर दिया, और फिर आपका मन है कि हम एक और डाटा ले लेते हैं यहाँ से, Ctrl+C, Ctrl+V, और आपने इसको पुट कर दिया, सपोज एक्स डायरेक्शन में हमने पुट कर दिया इसको 1.5। जैसे 1.5 किया और ओके किया, अब देखिए इधर बढ़ गया ये, और अगर सपोज हम कम, जैसे मैं सोच रहा हूँ इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से यहाँ तक एड बीम कर देते हैं। अब मुझे देखना है कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डायमेंशन पर जाते हैं और डायमेंशन पर जाके फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट कर देते हैं, उसके बाद डिस्प्ले कर देते हैं, तो हमको पता चल जाता है 4 मीटर और 4.5 मीटर। अब सपोज ये तो बहुत छोटा स्ट्रक्चर आपने कैलकुलेट कर लिया कितना आएगा, बट अगर बड़ा स्ट्रक्चर है
तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा बीम को, किस तरीके से कैलकुलेट यूज़ करोगे। यहाँ पे टूल पे जाओ और टूल पे जाके यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पे तीन तरह के कैलकुलेटर्स होते हैं, हम लोग किस पे करेंगे, नॉर्मल मोड पे करेंगे और उसके बाद इनसे फिर से डॉक्यूमेंट करेगा, आप ओके कर देना। और यहाँ पे फोर, उसके बाद यहाँ पे प्लस का सिंबल है, प्लस 4.5, और इसको हमने देखा तो कितना आया, ये 8.5 आ गया। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल वैल्यू है 8.5। बट जब इसको इंजीनियरिंग में यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू देगा। देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, क्यों, यहाँ पे देखो 8.5 प्लस E000, जिसने भी कैलकुलेटर यूज़ किया होगा, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर, उसको याद होगा इस तरीके की वैल्यू एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है। इस तरीके से ये डाटा देगा, और जब इसको इंटीजर में लेके जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर में क्या करता है, सिर्फ नंबर्स लेता है, मतलब 8, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, 8.5 नहीं, सिर्फ वो क्या बताएगा, 8 बताएगा। तो ये इंटीजर हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, और ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। इस तरीके से हम लोग अच्छे से कैलकुलेटर यूज करेंगे और कैलकुलेटर यूज करके वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत ही इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में, और अगर आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आप जाके कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेटर तो आसान है, यूनिट कन्वर्टर के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लोग कंफ्यूज रहते हैं स्क्वायर फीट में, मीटर स्क्वायर में, मैंने कई बार देखा है एमएम में, सेंटीमीटर में, तो यूनिट कन्वर्टर से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि हम और ज़्यादा स्टैट प्रो के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकें। वैसे तो हम लोग डेली लाते हैं, बट अगर आप शेयर करोगे और ज़्यादा हम लोग वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।